इधर देखो। अरे और हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? वो तुम देखो। अरे यहाँ आके तो ऐसी शांति मिलती है जैसे पता नहीं क्या जन्नत में आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाकई में। तो भी हमारा अच्छा टाइम पास किया है ना चारा। अरे बहुत बढ़िया, मजा आया भाई। क्या क्या है खाने में? बाहर खाओ तो और भी ज्यादा आनंद आता है। हेलो गाइज एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। एंड आई होप कि आपने जितनी भी अभी वीडियोस देखी हैं तो आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। एंड हाँ, आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट वीडियोस। और अभी हम लोग जहाँ पर हैं, जो पहले आपने सिनेमैटिक्स देखे होंगे, तो हम लोग आए हैं अभी हमारे एक कुल देवी, जिसको बोलते हैं कुल देवी का मंदिर है, तो वहाँ पर हम लोग दर्शन करने आए हैं। बिकॉज यहाँ पर हम लोग तब आते हैं जब हम कोई अच्छा काम होता है, कोई शुभ काम होता है घर में, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग दर्शन करने आते हैं। तो मैं अभी आया हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली आई है। ये मेरी सिस्टर बैठी है और ये हमारी बीवी। मैंने इसको पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले देख लेना कि सही आ रही है नहीं आ रही। सब सही आ रही है, एडिटिंग मेरे हाथ में है। ठीक है, हाँ तो बताओ अपने बारे में। हो गया, तुमने कर दिया सारी सब। तो देखो अभी धीरे धीरे करके आपको सब आदतें पता लग जाएंगी जैसे जैसे ब्लॉग्स में देखते रहोगे। तो अभी आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं मंदिर का, कैसे पूजा वगैरह होगी, जो भी स्टेप्स होते हैं सब दिखाते हैं। और ये अपनी घर की हीरोइन आ चुकी है, डोरा जी। कैसन बा, चका चक बा। A few moments later. एंड गाइज, राइट नाउ इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग। और अपनी जो छुटंकी है ये अंदर रो रही थी, तो मैं इसको चुप कराने बाहर ले आया। इसको रोते देखता अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको खिलाते लाते रहते हैं। और ये हमारा अच्छा टाइम पास कर देती है जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, और जब हम शाम को घर आते हैं तो भी हमारा अच्छा टाइम पास करते हैं ना चारा। हेलो बेबी। तो अभी ज़रा इसके साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर व्यू है। मैं यहाँ पर इंस्टा रील्स भी कुछ बनाने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। नीचे मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी। तो मेरी दो इंस्टा आईडी हैं, एक मेरी पर्सनल है, एक मैंने राइडनेटिक के नाम से बना रखी है। दोनों फॉलो कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, और नीचे स्क्रीन पर नाम भी आ रहा होगा। तो अभी चलते हैं, आप खाना वाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। खाना कैसा बना है? अरे बहुत बढ़िया, मज़ा आया भाई। क्या क्या है खाने में? बाहर खाओ तो और भी ज़्यादा आनंद आता है। खाने में क्या क्या है? खाने में देखो, ये आलू की सब्जी है, ये सूखे आलू है, ये छोले हैं, और ये पूरी दो तरह की वैरायटी है, नमक अजवाइन की और प्लेन पूरी। तो खाने में पूरी है, छोले हैं, आलू और हलवा, और आलू की एक दूसरी सब्जी है। तो अभी जो हमारे साथ ये टेम्पो ट्रैवलर में जो भैया आए हैं उनको देने जा रहा हूँ, वो भी हमारे साथ खाना खाएंगे। एक बार बोल देता हूँ, अभी सो रहे हैं। भैया 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 खाना ले लो, खाना खा लो, ध्यान से ध्यान से, देखो गिर ना जाए, ध्यान से दोनों हाथ से। और आपको कुछ चाहिए तो बता देना, मैं देने आ जाऊँगा आपको, ठीक है? चलो तो मैं और ईशा साथ जा रहे हैं। ये देखो कैसे नई नवेली दुल्हन सी बन के चल रही है। अभी पुराने गेटअप में देखते तो पहचान जाते आप। जीन्स टॉप ये वो, अभी आएगी फॉर्म वापस आएगी वो वाली। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ऐसे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये मुंह से बोलो। क्यों बोलो? बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा।
क्या बढ़िया व्यू है यहाँ से, वाह कितनी शांति है यहाँ पर ना, मजे से अपना आओ बैठो, दो तीन घंटे रुक के जाओ यहाँ पे, बहुत मजा आता है। ब्लॉग में आने के लिए मना कर रही है, ये बोल रही है कि मेरे को ब्लॉग में मत लेना। अरे ये तो बताओ हम लोग कहाँ पे आए हैं, इधर आओ ना, हम लोग कहाँ पे आए हैं बताओ, चलो सबको। आपकी कुलदेवी जी की मंदिर में आए हैं। आपको कैसा लग रहा है शादी के बाद? अच्छा। शादी के बाद कैसा लग रहा है? और हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? वो तुम देखो। अरे कुछ तो दो बस ना। अरे देखो तो सही, इधर देखो, अरे इधर देखो यार, तो अच्छी लग रही हो। ये डालूंगा ब्लॉग में, एडिट नहीं करूंगा इसको। नहीं। तो आपको कैसा लग रहा है काफी दिनों बाद आके? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ आके तो ऐसी शांति मिलती है जैसे पता नहीं क्या जन्नत में आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वाकई। तो मैं जब छोटा था, जब यहाँ आया करता था, काफी टाइम से आता हूँ। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये पहले इतनी ही प्रीमाइसेस में था, ये बाद में हुआ है, और एक इसके पीछे जो है वो भी बाद में हुआ है। तो ये जो हैंडपम्प है ये यहाँ पर है, एक पहले वहाँ सामने हुआ करता था, तो हम लोग यहाँ पे नहाते थे, इसके नीचे बैठ के बहुत मज़ा आता था। एंड आज वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है, अभी इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग और हम लोग 7:30 पे निकले थे, तो 2 घंटे का रास्ता है। दिल्ली से एक जगह पड़ती है बुलंदशहर के नाम, तो 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो 2 घंटे लगे आने में। अच्छा हाईवे बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि घर से खाना वाना पैक करा के लेके आते हैं फैमिली के साथ, पहले पूजा करते हैं, उसके बाद यहीं पर बैठ के खाना खाते हैं, और फिर थोड़ी बातें बातें करके रेस्ट करके फिर यहाँ से वापस अपने घर जाते हैं। सो राइट नाउ इट्स 1 o'clock इन द आफ्टरनून, और अब बस यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है, और आधा एक घंटा सो लिए, थोड़ा सा फोटोग्राफी भी हो गई है, फोटो इंस्टा आईडी पे अपलोड भी कर दूंगा मैं, नीचे आईडी आ रही होगी। तो अब यहाँ से चलने का प्लान है। हाँ, अब यहाँ से निकलेंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे। अभी बाहर एक यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, वो होममेड आइसक्रीम होती है, तो वो एक बार खिलाएंगे, उसको बेसिकली बोलते हैं वो कुल्फी रबड़ी वाली होती है, दूध की कुल्फी। तो वो जाते हैं अभी, वो आपको दिखाते हैं कैसी होती है। उसको ना वो लोग जो सेल करते हैं उसका तरीका भी बहुत अलग होता है, कैसे हारमोनियम जैसी एक ट्रे होती है, उस पर रख के घूमते हैं, और जब वो आते हैं तो मतलब दिखाऊंगा अभी चल के आपको थोड़ी देर। आइस क्यूब बॉक्स कह सकते हैं। अभी जब चलेंगे तो आपको दिखाऊंगा। तो अब यहाँ से बस चलने का टाइम है, सब फोटोग्राफी हो चुकी है, अपना जो टेम्पो ट्रेवलर है वो भी रेडी हो चुका है, तो बस सामान वान लोड कर रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं अभी आपको रास्ते में। दिल को लुभाना है, मौसम बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसने पढ़ाई नहीं करी आज पूरे दिन, ये पढ़ता ही नहीं है। तो भाई ये है वो आइसक्रीम जिसकी मैं बात कर रहा था, कुल्फी आइसक्रीम, रबड़ी वाली आइसक्रीम कहते हैं इसको, और बहुत ही टेस्टी होती है। और वो जो बना रहे हैं बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के। अगर आप लोग भी इस साइड आ रहे हो तो आना, बुलंदशहर एक जगह पड़ती है यूपी में, वो क्रॉस करके आओगे तो 5-7 किलोमीटर आगे चल के मिलती है, बहुत टेस्टी है। और आई होप यहाँ तक आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो टाइम टू से गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।